feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो मेरी मॉर्निंग होती है एक ग्लास गर्म पानी के साथ. तो मैं अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ. सोचा आप लोगों के साथ आज मैं अपना साथ ब्लॉग स्टार्ट करूँ. तो जो भी दिन भर में मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और तो चलिए मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, साथ साथ मैं आपके साथ बातें भी करती रहूँगी. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. पहले मैं बिल्कुल नहीं पी पाती थी. सुबह सुबह एकदम खाली पेट में बिल्कुल गर्म पानी नहीं पी पाती थी. तो मेरी जो मम्मी हैं वो हमेशा मुझे बोलती थी कि सुबह उठकर हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए पहले, और रात को सोने से पहले भी गर्म पानी पीना चाहिए खाना खाने के बाद. तो अब मैंने ये थोड़ी अपनी हैबिट जो है चेंज कर ली है. तो मैं जो है सुबह सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ, और खाना खाने के आधा घंटे बाद भी मैं गर्म पानी पीती हूँ. तो काफ़ी अच्छा रहता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके. और आप नहीं पीते हैं तो आप ही ज़रूर लीजिएगा. अब जो है इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करना. और आज है संडे. हेलो चेरी, गुड मॉर्निंग. ये देखो डॉगी दिखा रही, इसको चाहिए एक सीट जो चाहिए. तो गुड मॉर्निंग तो बोल देते हैं. तो उसकी क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है. आज संडे है लेकिन चेरी की क्लास है. तो ब्रेकफास्ट में संडे के दिन इनको चाहिए होता है कुछ स्पेशल. तो संडे स्पेशल, और आज बनाने वाली हूँ मैं नूडल्स. तो सबकी डिमांड थी कि मैं नूडल्स बनाने के लिए थोड़ी बहुत जो है वेजिटेबल्स चॉप करनी होती हैं, तो वो कर लेती हूँ. और हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया. तो जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ. और जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं उनको टाइम से जो है ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ. यम्मी यम्मी गरम गरम नूडल्स. और आज बना है ब्रेकफास्ट बच्चों के मनपसंद नूडल्स. सभी बच्चों को पसंद आते हैं नूडल्स. तो चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं.
आजकल दिल्ली में काफ़ी ठंड हो गई है, 3-4 दिन से काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे कंबल बिछा देती हूँ बच्चों के लिए, तो ये यहाँ पे आराम से बैठ के अपना खेल लेते हैं, कुछ गेम वेम खेलना हो खेल लेते हैं एंड पढ़ाई कर लेते हैं। और मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे वो आज ही रिसीव हुआ है, वो दिखाती हूँ मैंने अमेजोन से क्या ऑर्डर किया है, एक मिनट में लेके आती हूँ अभी। तो ये है पार्सल जो मुझे रिसीव हुआ है, ये है, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये अपनी स्टडी कर रहा है और चेरी भी इधर से ये स्टडी कर रही है। तो ये इस तरह का है बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, और ये मैंने मैं करने वाली हूँ बेडरूम मेकओवर। तो मैंने सरोजिनी नगर से भी काफ़ी फ्लावर्स वगैरह मैंने जो है डेकोरेशन के लिए मैंने लिए हैं, और एक मैंने ये दिखाती हूँ ओपन करके कि क्या है ये। तो ये कुछ इस तरह से है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ये इसमें जो वुडन का जो ये सेल्फ है काफ़ी अच्छा है, और इस तरह से कॉन्जुगेशन ऑफ बैथरेट 2-5 इन फ्रेंच एंड। तो इसमें इस तरह से होल दिए हुए हैं और आप इसको इजीली जो है अपने वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से है ये, आप देख सकते हैं ये देखिए, और इसमें एक और दो और तीन सेल्फ हैं, और इसमें ये इस तरह से आप यहाँ पर हुक कर सकते हैं इसको, और बहुत ही काफी वेट है इसका, आई थिंक 3 kg के आसपास इसका वेट होगा, और बहुत ही अच्छी मुझे पैकेजिंग में मिला था। डॉटर के रूम के लिए लिया है, और जब उसका मैं बेडरूम मेकओवर करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अर्णव और चेरी कहाँ, अर्णव वहाँ से अर्णव और चेरी के रूम के लिए मैंने लिया है, बहुत टाइम से मैंने देखा था और मुझे क्वालिटी का समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसे क्वालिटी है इसकी, बट गाइज मैंने इसको लिया है, रियली काफ़ी अच्छा है और बहुत स्टडी भी है। आप इसमें कुछ भी हैवी चीज़ रखेंगे तो आप कुछ भी इसमें हैवी रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, नाइस प्रोडक्ट। ज़्यादातर चीज़ें मैं अमेजोन से ही लेना पसंद करती हूँ क्योंकि क्वालिटी मुझे जितनी अभी तक की मुझे जितनी भी क्वालिटी जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिया है वो काफ़ी मुझे अच्छा मिला है। इससे पहले मैंने जो शेल्फ मैंने ऑर्डर किए थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ जो ये वाले शेल्फ आप देख रहे हैं 3 वाले, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे और काफी अच्छे हैं। बस और एंड ये वाले शेल्फ भी मैंने अमेजोन से ही लिए हैं और इन ये भी काफी अच्छे हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा आप कुकिंग कर लेते हैं और ये अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, तो हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं बच्चों को लेके जा रहे हैं पास के मॉल में, पास में ही है स्लैक सिटी मॉल, और अभी जो है वहाँ पर क्रिसमस की डेकोरेशन है, तो हर साल बच्चे देखते हैं क्रिसमस की डेकोरेशन, बच्चों को बहुत ही क्रेज़ रहता है क्रिसमस का, और लास्ट बच्चों को लेके हम गए थे फरवरी में, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तब से बच्चे गए नहीं थे मॉल, तो हमने सोचा चलिए अभी बच्चों को डेकोरेशन दिखा लेते हैं। आई लव के न्यू शूज, हो गया अर्नब रेडी? अरे वाह अर्नब, तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। चेरी आपका हो गया? मेरे लिए अभी न्यू मास्क भी लेना है।
हाँ न्यू वॉच चाहिए, आज अगर हमने कटिंग कराई है तो ना स्मार्ट लग रहा है ना न्यू लुक में। चल एक मिनट चेरी, हाँ बैग चेरी बैग ले लिया, बॉटल नहीं पानी। अर्णव अर्णव आप एक्साइटेड हो? क्यों क्यों एक्साइटेड? सेंटा बहुत पसंद है, जो हमारे लिए गिफ्ट लाता है। आपको सेंटा पसंद है? तो हमने पार्किंग जो है मॉल के बाहर ही कर ली है और यहाँ पर क्रिसमस का काफ़ी रश है, तो अंदर अगर पार्क करेंगे मॉल के तो हमें जब जाना होगा तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगा, तो इसलिए हमने बाहर ही पार्क कर लिए ताकि हम जल्दी से बाहर निकल जाएं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री बना था क्रिस्टल लाइट से और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे हमेशा जो है डेकोरेशन कुछ अलग होती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और अर्णव यहाँ पे मस्ती कर रहा था, वरुण धवन का एक पोस्टर था कूली नंबर 1 का और उसके ऊपर बॉक्स रखे हुए थे और वहाँ पर जाने में ये इस तरह से गिर रहे थे, तो अर्णव बहुत मस्ती कर रहा था यहाँ पर। अब आप मॉल आए हो तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती ही है, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी घर चल के। अंधेरा हो गया है और हम लोग घर जा रहे हैं, तो हमने वहाँ पे कुछ खाने पीने का पैक करा लिया था, बच्चे जो है गाड़ी में खा लेंगे। वहाँ पे इतना रश था कि खाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो बच्चों के लिए हम स्नैक्स वगैरह पैक करा के लिए आए। और अर्णव आप खुश हो? और अर्णव अपने लिए गन भी लेके आया है वहाँ से, देखो। हाँ ठीक है रख दो, अभी आप हाथ मत लगाओ, अभी आप खा लो। सॉस है मम्मी? सॉस दे दो। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, कैसा हो रहा है अर्णव? अच्छा यम्मी बहुत। तो मेरी बन रही है चाय, तो चाय पीऊँगी एंड डिनर में बनेगी फिश, तो मैंने यहाँ पे फिश पे जो है हल्दी और नमक लगा के छोड़ दिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी।
सो फ्रेंड्स, तो मैं अपनी चाय का मजा लेती हूँ एंड इसके बाद मैं अपना डिनर तैयार करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, और यहाँ पर बच्चे वॉच कर रहे हैं हैरी पॉटर की सीरीज। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।